डकैत शब्द सुनते ही घोड़े की लगाम थामे किसी क्रूर इंसान की छवि हमारे दिमाग में बनती है। हम सबने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि जो डकैत होता है उसके पास लूट की अकूत दौलत होती है। वह खूब शराब पीता है, डांसरों से डांस करवाता है, यानी फुल ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वाकई कई डकैत कुछ इसी छवि के होते भी रहे। हम आपको चंबल इलाके के एक ऐसे डकैत की कहानी बता रहे हैं जिसकी धमक मात्र से न केवल आम जनता बल्कि पुलिस प्रशासन के भी पांव फूल जाते थे। जब उस डकैत को अपने डकैती के कर्म को लेकर पश्चाताप हुई तो उसने खुद से बंदूक छोड़ने का फैसला ले लिया। हैरत की बात यह है कि बंदूक छोड़ने के बाद उसकी हालत दान में 10 रुपए देने की भी नहीं रह गई थी। जी हाँ, यह किस्सा है चंबल के खूंखार डकैत पंडित लोकमन उर्फ लुक्का की। पंडित लोकमन विख्यात डकैत मानसिंह दल में सेनापति की तरह काम करते थे। मानसिंह की सेहत बिगड़ने के बाद 1955 में लोकमन ही उस डकैत गैंग के सरदार घोषित कर दिए गए। लोकमन पेशे से डकैत जरूर थे लेकिन भीतर से वह बेहद भावुक इंसान थे। कई साल तक डकैती के धंधे में रहने के बाद उन्हें इन सब से विरक्ति होने लगी थी। इसी का नतीजा है कि एक शाम उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब वह डाका नहीं डालेंगे। इस पर गैंग के दूसरे सदस्यों ने कहा, लोकमन से कहा कि सरदार डाका नहीं डालोगे तो खाओगे कहां से। इस पर डाकू लोकमन ने कहा कि शेर का शिकार कर हम उसकी खाल बेच लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा तो फिर किसी के घर में पहुंचेंगे और उससे कहेंगे मुझे खाना खिला दो। लोकमन की ओर से गैंग के सदस्यों के साथ हुई इस मीटिंग की बात चंबल के बिहड़ों में आग की तरह फैल गई। तभी इलाके के एक साधु को पता चला कि डाकू लोकमन ने बंदूक त्याग दिया है। इस पर वह डाकू लोकमन से मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान साधु ने कहा कि डकैत लोकमन जी, अब आपने हिंसा का रास्ता छोड़ ही चुके हैं तो एक मंदिर के निर्माण के लिए 20,000 रुपए चंदा के रूप में दे दीजिए। साधु को लगा कि लोकमन इतने बड़े डकैत हैं तो उनके लिए 20,000 रुपए क्या बात होगी। डाकू लोकमन ने उस साधु को चंदा में केवल 10 रुपए दे पाए। 10 रुपए देते हुए डाकू लोकमन ने कहा कि साधु बाबा, इससे आप अपने लिए लंगोटी खरीद लीजिएगा। इतना ही नहीं, डाकू लोकमन ने उस साधु से कहा कि भले ही मंदिर निर्माण की बात है लेकिन वह दोबारा डकैती कर परमार्थ कमाने का मौका नहीं गवा दूंगा। 1955 से 1960 तक लोकमन का आतंक चरम पर था। पूरे चंबल में लोग लोकमन के नाम मात्र से थर थर कांपते थे। तभी एक दिन डाकू लोकमन उसकी भिड़ंत एक रिक्शे वाले से हो गई। दरअसल रिक्शे वाले ने डाकू लोकमन को टक्कर मार दी थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो रिक्शे वाले ने डाकू लोकमन को एक लात मारता हुआ आगे बढ़ गया। डाकू लोकमन की मजबूरी थी कि वह रिक्शे वाले को कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि जैसे ही वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करता तो लोग उसे पहचान जाते और उसे पुलिस के हवाले कर देते। रिक्शे वाले से लात खाने की बात लोकमन के मन में घर कर गई। उसे एहसास हुआ कि वह बुरे कर्म करता है, इसलिए एक रिक्शा वाला भी उसे लात मारकर चला गया और वह कुछ नहीं कर पाया। इसी घटना के बाद डाकू लोकमन धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए। ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने वाले डाकू लोकमन की व्यक्तिगत लाइफ बेहद दुखदायी रही। बड़े बेटे सतीश को कैंसर की दिक्कत होने के चलते उनकी मौत हो गई। छोटा बेटा अशोक की रोड दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों बेटों की मौत से डाकू लुका अंदर से टूट चुका था। इसके बाद डाकू लोकमन ने 1960 में आचार्य विनोबा भावे के सामने बंदूक छोड़कर जुर्म की सजा काटने का फैसला लिया और उसे फॉलो भी किया। डाकू लोकमन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आजादी के पहले उनके गैंग ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया था।
जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब लोकमन उर्फ लुक्का समेत तमाम गैंग के डकैतों ने खुशियां मनाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में आने का मौका देगी, लेकिन आजादी के बाद भी डकैतों को कुख्यात अपराधी ही समझा जाता रहा। इस वजह से कई डकैत चाहकर भी डकैती की राह से नहीं लौट पा रहे थे। आखिरकार विनोबा भावे के प्रयास से लोकमन समेत चंबल के कई डकैतों ने सरेंडर किया और उम्र कैद की सजा काटकर फैमिली के साथ जीवन बसर करने चले गए।